लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी रायजादा आज माता नैना देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। आज संडे करके काफ़ी भीड़ है और माता जी का आशीर्वाद लिया और कुंड में आहुतियाँ डाली और अब माता जी से जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु या लोग मेरे से जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और आप साथ में भीड़ भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है आज माता के दरबार में। और आज जीत के लिए माता रानी के दरबार में पहुँचे हैं, आशीर्वाद लिया है, प्राचीन हवन कुंड में आहुतियाँ डाली हैं और ये लगातार आप माता के दरबार से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जो भी श्रद्धालु स्थानीय लोग मेरे से जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माता के दरबार के लिए दर्शन हो सके। और आज इससे पहले जनसभा का भी आयोजन किया गया बस अड्डा के ऊपर, जहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और खूब भव्य स्वागत यहाँ पे राजदा का किया गया है। और माता रानी के दरबार में पुजारी प्रदीप शर्मा उनकी पूजा अर्चना करवा रहे हैं और भव्य तरीके से उन्होंने हवन कुंड में आहुतियाँ डाली है, माता का आशीर्वाद दिया है। माता के दरबार में लोकसभा के लिए कांग्रेसी प्रत्याशी है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से और आप लगातार देख सकते हैं कि माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अब भैरव जी का आशीर्वाद लेने के लिए परिक्रमा भी कर रहे हैं। परिक्रमा देवी देवताओं की परिक्रमा भी की जा रही है। जय बाबा जी, और रविवार का दिन है, आज काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में उमड़े हैं और हर देवी देवता का आशीर्वाद, गणेश हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है, बाबा भैरव जी का आशीर्वाद लिया गया है। और लगातार आप मेरे साथ जो भी श्रद्धालु स्थानीय लोग लाइव मेरे साथ जुड़े हैं उनसे लाइक भी करो और शेयर भी करें। काफ़ी भीड़ है आज माता के दरबार में, पूरी तरह से रौनक लगी है और ये लोकसभा के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सतपाल रायजादा अपने समर्थकों के साथ माता के दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए।
राजा दा जी अज माता दे दरबार ते आया ते के कुछ मंगया माता रानी तो। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम हिमाचल जो देव भूमि है तो हमेशा शुभ कार्य जो है वो माथा टेकने के बाद माता रानी के द्वार में माथा टेकने के बाद होता है। तो मैंने जब भी अपने जब टिकट मिली तो उसकी शुरुआत जो मैंने की वो पहले बंगला मुखी माता के वहाँ गया था। तो आज मेरा आना जो यहाँ पे नैना देवी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा आना हुआ प्रचार के लिए, तो माता नैना देवी का भी आशीर्वाद हमने लिया क्योंकि उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े लोग जो हैं छोटे से छोटे लोग जो हैं वो तक जाते हैं। तो माता रानी से मैंने ये दुआ की है कि माता रानी इस बार जो संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है वो इस बार कांग्रेस को मिले, और यही हमारी ये प्रार्थना माता रानी के आगे हमने की है। बाकी माता रानी का आशीर्वाद जो है वो सब भक्तों को प्राप्त होता है, ये तो माता रानी ने सब तय करना है। तो हमारी आस्था हमारा धर्म जो है वो हमेशा उस रास्ते पे चलते हैं, और अपनी आस्था जो है वो सनातनी जो हमारा धर्म है उसके ऊपर है, और हमेशा माता रानी के चरणों में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा जो है वो प्रार्थना करते हैं, और निश्चित तौर पे वो दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन है। राजा जी अनुराग ठाकुर काफ़ी समय से जीतते आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनके मुकाबले में, कैसे देखते हैं अपने आप को? मेरा ये मानना है कि अनुराग ठाकुर जी पिछले 16.5 साल से इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व हैं, इस संसदीय क्षेत्र का जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो 16.5 साल उनको प्रतिनिधित्व करते हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी वोट वो है, अपने काम के दम पे नहीं मांग रहे हैं। आज भी मोदी के नाम से वोटें मांग रहे हैं, कभी तो वो अपने पिताजी के नाम से वोटें मांगते थे, कभी वो मोदी जी के नाम से वोटें मांगते हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि वो अपने काम को बताएं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, और उनको प्रदेश की जनता से क्षमा भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश संकट में था और आपदा का दौर था तब अनुराग ठाकुर जी ने ना तो दिल्ली में संसद में ना आवाज़ उठाई और ना वो प्रधानमंत्री जी के सामने आवाज़ उठा सके कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय जो आपदा आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और ताकि देश विदेश से हिमाचल प्रदेश को मदद मिलती है अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित होता। वो तो छोड़िए, ये राष्ट्रीय आपदा इन्होंने क्या घोषित करवानी थी, जो हमारा केंद्रीय की एजेंसियां आई थी और प्रदेश की एजेंसियों ने मिल बैठ कर तय किया था कि कितना जो प्रदेश का नुकसान हुआ है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ बहुत मौतें भी हुई, पशुधन भी बहुत उसका भी बहुत नुकसान हुआ, और उसकी आवाज़ ना तो दिल्ली में उठा पाए संसद में ना मोदी जी से। तो उनको तो पहले अपने प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आप गए थे। और मेरा ये मानना है कि हमेशा मोदी जी का गुणगान करना और राहुल गांधी और सोनिया जी को कोसना, इसी के ऊपर इनकी राजनीति जो है वो चली हुई है, जबकि इनको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं इस माता रानी के मंदिर में बैठा हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी भी
उनके पास मौका है, वो भी कैंडिडेट हैं भाजपा के, उनको जो एनपीएस का हमारा पैसा दिल्ली में है, जो हमारा भाखड़ा विस्थापित लोग हुए हैं और जो पानी पे हमारा हक बनता है, जो हमारा पैसा केंद्र की एजेंसियों के पास है, वो खास करके एनपीएस जो कर्मचारियों का पैसा, हमारे लोगों का पैसा केंद्र के पास है, वो कम से कम इसमें वादा ही कर दे कि अगर वो उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दोबारा मिलेगा तो वो पैसा भी जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वापस लगवाएगी। राजा दादी, आजकल कंगना रनौत काफी कांग्रेस पे अटैक करती है, तो उसके ऊपर क्या कहना जी आपका? देखो, वो हिमाचल प्रदेश से है और हमारी बहन तुल्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो ढुमका बाजे। वो अच्छी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, उसमें वो मास्टर है, वो अच्छा अदाकारी कर सकती हैं, लेकिन नेता बनना और अभिनेता दोनों अलग अलग फील्ड्स है। इसमें आम जनता के दुख दर्द को समझना पड़ता है, इसमें आपको लोगों के दुखों में हो चाहे सुख हो और प्रदेश में खड़ना। और जब आपदा आई थी, मैं अपनी उस बहन से पूछना चाहूंगा कि जब आपदा आई थी, आप भी बहन आपके तो मंडी में आई थी, आप भी यहां नहीं आए। और उनके साथ साथ मैं मोदी जी और अमित शाह जी से भी ये पूछना चाहूंगा, अभी प्रचार में वो जहां आने वाले हैं और मंडी जाएंगे तो उससे पूबड़ी की उनको याद आएगी, हमारे ऊना में आते हैं तो वो कड़ी की बात करते हैं, लेकिन जब आपदा आई थी हमारे लोग बहुत उसमें मुश्किल में थे, मुश्किल हालात थे इस प्रदेश के, तब आप यहाँ ना तो आए, ना तो आपने इस प्रदेश की सेवा की, फिर किस दम पर आप यहाँ पे वोट मांगने आएंगे। उनको तो हिमाचल प्रदेश में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो दुख दर्द में सहाय नहीं वो कभी नेता नहीं हो सकता। नेता असली वही है जो दुख दर्द में किसी के सहाय। बिल्कुल जो कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना जो गीता में लिखा है, फल तो जो है वो के हाथ में है। तो ये लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल रायजादा जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पहुँचे हैं और माता रानी का आशीर्वाद इन्होंने यहाँ पे लिया है। जो भी श्रद्धालु स्थानीय लोग मेरे से जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माता के दर्शन भी हो सकें और साथ में ये रायजादा का कार्यक्रम भी लोगों तक पहुंच सके। और ये मंदिर के सुरक्षा गार्ड है जो लगातार अपनी ड्यूटी देते हैं और आज इन्होंने 3 जेब कतरियां भी पकड़ी हैं, जो चैन सिनेचर की दो है उसको भी पकड़ा है। लगातार माता जी के दरबार में आप देख सकते हैं कि भीड़ बड़ी है।